हम अपने आसपास रंगों से भरी वस्तुओं को देखते हैं, क्या वास्तव में वो वैसी ही हैं? कोई वस्तु कब परफेक्ट ब्लैक बॉडी बन सकती है? क्या हमारे ब्रह्मांड में कोई ऐसी वस्तु है जिसे हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कह सके? ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है? दोस्तों, सबसे रोमांचक और विवादों से घिरी कोई चीज जो कि भौतिकी में है वो है ब्लैक होल। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे ब्लैक होल और उसके निर्माण से जुड़ी कुछ रोमांचक बातें कुछ उदाहरण और थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए। अंतरिक्ष, समय और खुद ये जीवन, जानिए ब्रह्मांड के राज फिजिक्स टीवी इंडिया के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं फिजिक्स टीवी इंडिया। स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी वस्तु हमें काली या किसी रंग की क्यों दिखाई देती है, या परफेक्ट ब्लैक बॉडी क्या होती है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां कोई भी रोशनी नहीं है, तो क्या आप वहां किसी भी वस्तु को देखने में सक्षम होंगे? जी बिल्कुल नहीं, हम कोई भी वस्तु को देखने में सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि हमें कोई भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश यानी लाइट की आवश्यकता पड़ती है। होता यूं है कि जब प्रकाश किसी भी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु से निकला हुआ प्रकाश का रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब जिस भी रंग का हो, हमें वो वस्तु उसी रंग का दिखता है। मतलब किसी भी वस्तु का कोई वास्तव रंग नहीं होता, हमें केवल उस वस्तु से निकली प्रकाश का प्रतिबिंब दिखाई देता है। हम अब ये समझते हैं कि कोई बॉडी परफेक्ट बॉडी कब कहलाती है। भौतिकी के अनुसार कोई भी वस्तु परफेक्ट ब्लैक बॉडी जब कहलाएगी जब उस पर पड़ने वाला सारा प्रकाश वो वस्तु एब्जॉर्ब या सोख ले पूरी तरह से, और उस वस्तु से प्रकाश का प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा। या फिर हम ये कहें कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी हमें कभी दिखाई ही नहीं देगी। मगर हमारे आसपास ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसे हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कह सके। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसी वस्तु है, वो वस्तु है जिसे हम परफेक्ट ब्लैक बॉडी कह सकते हैं, और वो है ब्लैक होल। अब समझते हैं कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। ब्लैक होल का निर्माण मरते हुए तारे से होता है। जब कोई तारा अपनी ऊर्जा को खत्म कर देता है तो ब्लैक होल में तब्दील हो जाता है। होता यूं है, तारा अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में तब्दील कर ऊर्जा का निर्माण करता है, और वह ऊर्जा उसकी ग्रेविटी के विपरीत काम करती है। जैसे जैसे तारे का ईंधन खत्म होते जाता है, वैसे वैसे ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण को रोक पाना असंभव होता जाता है, और उस तारे का अंत शुरू हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि तारा को सिकुड़ने लगता है, और वो तारा सेकंड के अंश भर हिस्से में काफी डेंस और डेंस होता जाता है। इतना डेंस कि प्रकाश यानी लाइट भी उससे नहीं बच सकती, और वो काफी मात्रा में ऊर्जा को रिलीज करता है, और तब होता है ब्लैक होल का निर्माण। दोस्तों, सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी में एक ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय वस्तु है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी उसके खिंचाव से बच नहीं सकता है। ब्लैक होल में एक तरफी सतह होती है जिसे घटना क्षितिज या इवेंट होराइजन कहा जाता है, जिसमें वस्तु गिर तो सकती है परंतु बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। इसे ब्लैक या काला इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट या प्रतिबिंब नहीं करता। थर्मोडायनेमिक्स में ब्लैक होल ठीक एक आदर्श ब्लैक बॉडी की तरह है। ब्लैक होल का क्वांटम विश्लेषण यह दर्शाता है कि उनमें तापमान और हॉकिंग विकिरण या हॉकिंग रेडिएशन होता है।
हॉकिंग रेडिएशन को आने वाले एपिसोड में और बेहतर तरीके से समझेंगे। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि हम ब्लैक होल को कहां देख सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी आकाशगंगा के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कुछ तारे एक ऐसी चीज का चक्कर लगा रहे हैं जो कि इनविजिबल है, और वो चीज है ब्लैक होल। जी हाँ, ब्लैक होल। और उसके चारों ओर हम क्षेत्र दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन यानी घटना क्षितिज। जनरल रिलेटिविटी में यह एक ऐसी सीमा है जिसके पार अगर कोई जाता है तो कभी लौट नहीं सकता, या यूं कहें इवेंट होराइजन नहीं लौट पाने का स्थान है। दोस्तों, वैज्ञानिकों के विश्लेषण के आधार पर हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हर एक आकाशगंगा के केंद्र में एक ब्लैक होल है। दरअसल ब्लैक होल के बिना किसी आकाशगंगा की कल्पना करना असंभव है। ब्लैक होल तारे को नियंत्रित करता है और ब्रह्मांड में संतुलन बनाने में इसका बड़ा योगदान है। इसलिए हमें इनसे डरने की जगह हमें इनका शुक्रिया करना चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आने वाले एपिसोड में हम जानेंगे ब्लैक होल से समय यात्रा हम कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और ब्लैक होल से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा फेसबुक ग्रुप या पेज ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप बिना किसी परेशानी के अंतरिक्ष, समय और ब्रह्मांड से जुड़े राज यूं ही जानते रहें।